गुड़मंडी में दिन दहाड़े व्यापारी से 4 लाख की लूट। पुलिस मौके पर, एसएसपी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचकर की छानबीन शुरू। जी, क्या नाम आपका? संजय मिश्रा। मेरा मिश्रा जी, क्या घटनाक्रम हुआ अभी? मेरे मुनीम द्वारा बैंक से विड्रॉल करके पैसे ला रहा था, तो यहीं बदमाशों ने स्कूटी पर लात मार के पैसे और स्कूटर दोनों छीन लिया। कितने बदमाश थे और कैसे आए? 3 बदमाश थे, मोटरसाइकिल पे थे और उन्होंने यहीं पे आके आए तो बैंक से उसके जो भी वो पीछे ही आए होंगे। अच्छा, उसमें 4 लाख रुपए थे। भीड़ भाड़ का इलाका है, फिर भी इतनी हिम्मत? देखो, ये तो भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन एकदम से किसी के साथ कोई घटना हो तो पता भी नहीं लगता। इस क्षेत्र में एक बार पहले भी यहाँ घटना हुई थी? हाँ, मंडी में पहले भी लूट हो चुकी थी 2 बार, लेकिन ये तो बड़ी दुस्साहसिक वारदात है जो इतने लोगों के बीच में से ये काम करके गए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना की कि पुलिस आई? हाँ, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस अभी आई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक। देखिए, ये नई मंडी थाना क्षेत्र में जो गुड़ मंडी है, इनके एक व्यापारी हैं, ये बैंक से अपना कैश लेकर आए। इनको कुछ बदमाशों के द्वारा फॉलो किया गया, फिर एक जगह पे आके इनकी स्कूटी को लात मारते हुए स्कूटी गिरा दी और उसके बाद इनकी स्कूटी लेके भाग गए, जिसके अंदर वो कैश रखा हुआ था। संपूर्ण जो प्रकरण है उसकी हम लोगों के द्वारा जाँच की जा रही है, सारे एंगल्स पर देखा जा रहा है और बहुत ही जल्दी इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने की लूट जा रही है? जो व्यापारी हैं उनके द्वारा 4 लाख का कैश बताया गया, वो भी अभी इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया है उसी चीज़ को मानते हुए सारी चीज़ की जांच कर रहे हैं। सर, व्यापारी कहने पहली ऐसी घटना है जो मंडी गुड़ मंडी के अंदर हुई है, तो इसके कितनी गंभीर? वो देखिए, सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं और देखिए, लूट की घटना है वो कहीं भी, वो हमारे लिए उसकी जो सीरियसनेस है वो किसी भी लूट की घटना की कम नहीं होती है। और जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में पूर्व में भी अपराधियों ने जिस प्रकार से लूट की घटना करने की कोशिश की, उनका जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई की गई है, इस मामले में भी आप निश्चिंत रहिए, उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करते हुए मैसेज दिया जाएगा कि जनपद में लूट की घटना कारित करने वाले अपराधियों का क्या हाल किया जाए। सर, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिन में हर लूट होना एक सारी चीज़ों पे हम लोग जांच कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।